बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह सुबहाना ताला के जिसने हमारी रिहाई के असबाब बनाए। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो काफ़ी फिक्रमंद थे हमारी रिहाई के लिए। हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, मोहम्मद जाबेर साहब का, शकील फाजिल साहब का, डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब का, बोधन के सदर जनाब मुशीर बाबा साहब का और बोधन की अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। निज़ामाबाद और बोधन की निज़ामाबाद की टीम का और वाजिद हुसैन एडवोकेट हमारे भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब रही बात हमारे ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम की कि बोधन एमएलए शकील आमिर के ऊपर हमने खातिलाना हमला किया। बोधन की अवाम बल्कि पूरे तेलंगाना की अवाम ने देखा, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया था जिसका जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें जेल में डालकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये जेल की सोहबतें नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम बिल्कुल आवाम की आवाज़ उठा, आवाम के हक़ में आवाज़ उठाते रहेंगे। शुक्रिया। परस भाई, अरे आओ ना जी, शहबाज कहाँ है, थोड़ा ले।